क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली जीता है, लेकिन इंडिया हैट्स ऑफ टू यू, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इंडिया की वुमेन्स क्या चीज है यार, बांग्लादेश को इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हार जैसे कोई माइनों की टीम होती है यार। वर्ल्ड कप जो था वो रोहित शर्मा के लिए डेसिग्नेटेड था, और ये जो एशिया कप है ये इंडिया की लड़कियों से कोई नहीं ले सकता। लुकिंग हाईली इम्पॉसिबल, ये ऐसे लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रहा हो, माइटी ऑस्ट्रेलिया। क्या वुमेन एशिया कप के अंदर ऐसी टीम है जो कि इंडिया को हरा पाए? है कौन सी? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। पाकिस्तान भी नहीं होता तो, नेपाल भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं, कोई भी नहीं हरा सकती यार। नारी शक्ति एक बार फिर से बारी, अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल, जिस तरह से आज उनकी कैप्टनसी थी, जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त बॉलिंग, क्या कहेंगे हमारे भाई साहब। टीम इंडिया जो है 2024 में रिकॉर्ड्स बनाने निकली है, रिकॉर्ड्स ही बनाएगी। उन्होंने ये बात तय कर लिया कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में एक ही नाम होगा, INDIA। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए जा रहे हैं। कि इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, बट इंडियन वुमेन्स आर टू गुड यार। रेणुका सिंह आप देखो यार, ये क्या पेसर है यार, क्या उसकी पेसी डिलीवरी थी शुरू वाला स्पेल यार। 4 ओवर 1 मैडन 10 या 14 रन्स देके उसने 3 विकेट लिए हैं। आप रेणुका सिंह को देखते बॉलिंग करते आपको लगता है यार कोई मतलब क्या शहनशाह अफरीदी आ गया है, ये जसप्रीत बुमराह आ गया है। रेणुका सिंह ने कहर ढा दिया, रेणुका सिंह अनप्लेबल हो गई, शी वाज लाइक अ टाइग्रेस, लाइक अ लायन। 4 ओवर 1 मैडन 10 रन, पहली 3 विकेट किसकी? रेणुका सिंह। मतलब इतनी डोमिनेट परफॉर्मेंस, वो जो हमारा बाबर घंटा को एक ही इंग्लिश का वर्ड आया हुआ है, डोमिनेट 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 डोमिनेट, जो वो जो इंडियन वुमेन्स करके दिखा रही हैं। इंडिया की वुमेन्स क्या चीज है यार, बांग्लादेश को इतनी बुरी हार, इतनी बुरी हार जैसे कोई माइनों की टीम होती है यार। बट इंडियन वुमेन्स आर टू गुड यार। रेणुका सिंह आप देखो यार, ये क्या पेसर है यार, क्या उसकी पेसी डिलीवरी थी शुरू वाला स्पेल यार। 4 ओवर 1 मैडन 10 या 14 रन्स देके उसने 3 विकेट लिए हैं। आप रेणुका सिंह को देखते बॉलिंग करते आपको लगता है यार कोई मतलब क्या शहनशाह अफरीदी आ गया है, ये जसप्रीत बुमराह आ गया है, ये कोई और बड़ा बॉलर आ गया है यार इनके आगे। इस तरह की उसने बॉलिंग करके धागा खोल के रख दिया बांग्लादेश का यार। फिर आप राधा यादव को देखो, और राधा यादव ने जो बॉल डाली है यार, कसम से मुझे दीवाना बना दिया यार। वो पहली बॉल उसके स्पेल की जो पड़ी है, जिस तरह से आम हुई है, जिस तरह से वो बॉल अंदर स्विंग हुआ है, जिस तरह से वो बांग्लादेशी बैटर बोल्ड हुई, ओफो यार ये तो जडेजा से भी बढ़ गया यार, ये वुमेन जडेजा से भी कोई आगे की चीज है। क्या कमाल की बॉलर है राधा यादव भी यार। दोनों ने 3-3 विकेट लेके बांग्लादेश की कमर ही तोड़ के रखती थी यार। 80 रन पे आप अगली टीम को आउट कर लोगे, वो बेचारे क्या करेंगे यार। वुमेन एशिया कप के अंदर इंडियन टीम की क्लासी परफॉर्मेंस, जिस तरह बॉयज ने परफॉर्मेंस दी थी T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले ODI वर्ल्ड कप के अंदर, उससे पहले एशिया कप के अंदर, उसी को रिवाज को बरकरार रखते हुए इंडियन टीम की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भेंट भी शानदार वुमेन टीम के अंदर, वुमेन टीम ने क्लासिक परफॉर्मेंस दी। सेमीफाइनल के अंदर बांग्लादेश टीम को टोटली वन साइड कर दिया। इंडियन टीम की पावर है उनकी बॉलिंग। आज के मैच में सेमीफाइनल के बड़े मैच के जहां लग रहा था कि मैच फंसेगा, लेकिन इंडियन की वुमेन टीम ने बासानी बांग्लादेश टीम को 20 ओवर में सिर्फ महज 80 रन के ऊपर आउट कर दिया। 80 रन के ऊपर इनिंग डिक्लेयर करनी पड़ी बांग्लादेश को, जिसको 80 रन को चेस करते हुए इंडियन टीम ने बगैर कोई विकेट गिरे हुए बासानी 80 रन बॉल आउट में पूरा कर लिए। जो कि इंडिया के टॉप अटैकिंग बैट्समैन समीर थी मंदाना, उन्होंने दोबारा 50 स्कोर की। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि इंडियन टीम आगे से आगे जा रही है, जबकि पाकिस्तान टीम पीछे से पीछे जा रही है। पहले इंडिया के लड़के ODI वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद इंडिया के लेजेंड चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद इंडियन के पुराने खिलाड़ियों ने बड़ा इवेंट जीता, उसके बाद इंडिया की वुमेन टीम एशिया कप जीतने में कामयाब रही। जबकि पाकिस्तान के लेजेंड हारे, पाकिस्तान के मेन प्लेयर हारे, पाकिस्तान की वुमेन टीम भी सेमीफाइनल हार गई। पाकिस्तान टीम पीछे से पीछे जा रही है, जबकि इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बिलखसूस उसका सारा क्रेडिट जाता है इंडिया के स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेटअप को। सुबख्तर कहना है कि आज के मैच में इंडिया की वुमेन परफॉर्मेंस दी है वो बिल्कुल आउट क्लास थी। ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लड़के खेल रहे, लग ही नहीं रहा था कि वुमेन का एशिया कप है, क्योंकि ऐसी शानदार बॉलिंग थी, ऐसी दर्द विकेटें गिर रही थी, ऐसा टी20 फॉर्मेट में
को रुका जो कि कभी देखा नहीं था वुमेन फॉर्मेट के अंदर। वसीम अकरम कहना है कि आज की मैच में क्लासिक परफॉर्मेंस इंडिया टीम वुमेन्स ने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था और ये लग रहा था कि इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद थी इंडिया टीम, लेकिन वो जितनी शानदार परफॉर्मेंस इंडिया टीम ने जीत दी है पूरी एशिया कप के अंदर टोटली अनबीटेबल टीम है और बासानी लग ही रहा है कि इंडियन टीम बासानी फाइनल भी अनबीटेबल तरीके से जीत जाएगी। 6:30 शुरू होना है, वो तो अभी से देख रही होंगी कि ये क्या हो रहा है, ये क्या परफॉर्मेंस है, ये रेणुका सिंह ने क्या खा लिया। रेणुका ने तो अपना काम कर दिया, ऊपर से जिस चीज की जरूरत थी कि आपने रोकना है उसने तो रोकना क्या टोकना क्या, यूं करके मरोड़ के गिच्ची मरोड़ के सांस बंद करके बांग्लादेशी लड़कियों की छोड़ दी, उसने तो रेटल कर दिया ना, फारिग कर दिया। नारी शक्ति एक बार फिर से बारी, अनबीटेबल अनस्टॉपेबल, जिस तरह से आज उनकी कैप्टनसी थी, जबरदस्त बैटिंग जबरदस्त बॉलिंग, क्या कहेंगे हमारे भाई साहब। टीम इंडिया जो है 2024 में रिकॉर्ड्स बनाने निकली है, रिकॉर्ड्स ही बनाएगी। उन्होंने ये बात तय कर लिया कि गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में एक ही नाम होगा, INDIA। क्यों? क्योंकि भाई वो लॉयल्टी के साथ खेलते हैं, वो पैशन के साथ खेलते हैं, वो अपनी टीम के साथ लॉयल होकर चलते हैं। आप देखें तो भाई उनकी शेफाली वर्मा से लेकर स्मृति मंदाना है, ऋचा घोष है, हरमनप्रीत है, या जो भी आ रहा लड़कियों में देखें, बस आकर ने आउट कर दिया, रिनुका ने आउट कर दिया। तो भाई वो आमिर खान ने ठीक बोला था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, अगर छोरे गोल्ड मेडल ला सकते हैं तो छोरियां भी ला सकती हैं। तो ये जेंडर इक्वालिटी को भी बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल रही है इस एशिया कप की वजह से, जो कहते थे कि इंडिया की क्रिकेट टीम हो या विमेन क्रिकेट टीम हो भाई ये बस एमी है। लेकिन अब जितना ICC को व्यूज आ रहे हैं हमारे भाई, ICC ने कभी ख्वाब भी नहीं सोचा होगा कि ये एशिया कप इतना सुपर डुपर हिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं देख रहा था पहले मैच में जब इंडिया पाकिस्तान का हुआ तो बड़े रिकॉर्ड्स टूटे हैं, बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली है। तो भाई डेफिनेट बात है, अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे तो आपको व्यूअरशिप मिलेगी, आपको प्रेज लोग करेंगे ही करेंगे, और आपका प्रेज होना बनता है जिस तरीके से आप क्रिकेट खेल रही हैं। आप मैं कहता हूं कि मर्दों के मुंह पे चपेड़े मार रही हैं। मैं समझ रहा हूं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़के तो नहीं इंडिया के मार रहे, लड़कियों को भेज दो ताली बजाए ना लड़कियों के लिए। भाई कंग्रेचुलेशन, जिस तरीके से आपने बैटिंग की, जिस तरीके से आपने बॉलिंग की, आप ट्रूली डिजर्व करते थे ये विक्ट्री, जिस तरीके से आपने जीता। तो अनबीटेबल अनस्टॉपेबल फाइनल तक जाएंगे एंड इवन के फाइनल जीतेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे और इंडिया को एक दफा फिर प्राउड। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया, आज भी इंडियन वुमेन ने अपने नाम करवा दिया। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि इंडिया के वुमेन टीम लग ही नहीं रही, ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं इंडिया की ए क्लास के वो जैसे विराट कोहली रोहित शर्मा जैसी दमदार बैटिंग देखने को मिल रही है। आज के मैच में देखने को मिला है कि उन्होंने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया की वुमेन क्या मैसेज दे रही है क्रिकेट वर्ल्ड को कि वो लड़कों को पीछे छोड़ रही है। देखिये जैसे वुमेन्स की टीम परफॉर्म करके जा रही है वो भी मेंस से कम नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा है। जैसे आज हमने ओपनिंग जोड़ी देखी है, रोको वाली जोड़ी नजर आ रही थी आज। ये 100% मुझे पता है कि इंडिया ने जीत रहा है, एशिया कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और जिस तरह वर्मा ने बात की, शेफाली वर्मा ने जो परफॉर्मेंस किया, 48 कप जो है ना, मैं यही कहूंगा ये इंडिया का कप है भाई, इंडिया कोई भी नहीं हरा सकता। मुझे पाकिस्तान भी तो है ना नेपाल भाई, छोड़े छोड़े आप पाकिस्तान, मुझे पता है इसमें आपको सीना कंट्री में बात करो, सीना कंट्री में आपको पता है इसमें है ही नहीं, एशिया कप है। मुझे पता है इंग्लैंड है इसमें, न्यूजीलैंड है नहीं, आपको उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है इसमें। तो भाई मुझे बताओ पीछे कौन सी है टीमें, कौन सी टीमें हैं। देखिए सबसे पहले तो बात करें कि हम लोग इंडियन वुमेन्स के ऊपर, भाई इंडियन वुमेन्स कैंसिल, इंडियन मेंस, ये इंडियन मेंस की परफॉर्मेंस आपको नजर आई है या? मुझे लगता है इंडिया के एशियन टीम के साथ मैच बनता ही नहीं है, इनका सीना कंट्रीज के साथ बनता है। बाकी यार सीना कंट्रीज का बनता है। आप ये देखे कि इंडियन वुमेन्स के साथ साथ पाकिस्तान वुमेन्स भी डोमिनेट करने लग गई हैं, उनको भी थोड़ी बहुत शर्म की है आ गई है। क्या वुमेन एशिया कप के अंदर कोई ऐसी टीम है जो कि इंडिया को हरा पाए? है ही कौन सी? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं,